सादरा के इवास हॉस्पिटल में सखी A1 स्टॉप सेंटर का शुभारंभ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, सादरा जिलाधिकारी संजीव कुमार के साथ इवास हॉस्पिटल के डायरेक्टर निमेश जी देसाई द्वारा किया गया। यह सेंटर दिल्ली सरकार और जिला अधिकारी के नेतृत्व में परिचालित किया जाएगा। इस सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए उनकी मदद के लिए एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। आज मैं सभी दिल्ली के लोगों को इसके लिए बधाई दूंगा कि दिल्ली के अंदर पहला मतलब पर्टिकुलरली हॉस्पिटल जो सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त है वो वन स्टॉप स्टे सेंटर बनाया गया है, जो कई प्रकार की वायलेंस से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस होते हैं, इसी तरह के और वायलेंस के केसेस होते हैं, और उनको एक डिग्निटी के साथ सेफ्टी भी महसूस हो, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना बनाई कि उनको वन स्टॉप सेंटर बनाया जाए जहां सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हों, और वो उनकी सबका अपना बयान वगैरह वो सब भी यहां पे सेफली और कॉन्फिडेंस के साथ वो दे सकें। तो मैं सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहां साइकोलॉजिस्ट से लेकर तमाम तरह की मेडिकल और दूसरी तरह की सुविधाएँ वो उपलब्ध हैं, और ये सेंटर आज जनता के लिए समर्पित है। सखी, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, एक दोस्ताना वातावरण में सेंटर को चलाने की बात है, जिसमें कि जो वायलेंस अफेक्टेड वीमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एक ही छत के नीचे जो ज़रूरी सुविधाएं हैं उनको दिया जा सके। तो इसमें ये डिसाइड हुआ है कि 5 तरह की सुविधाएं, उसमें पुलिस असिस्टेंस, मेडिकल एड, लीगल एड, साइको काउंसलिंग और टेम्पररी शेल्टर, जो महिलाएं इससे पीड़ित हैं उनको वहीं पे रख के ये सारी सुविधाएं दिया जा सके। इस सेंटर का नाम इसलिए वन स्टॉप सेंटर रखा गया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मंच के माध्यम से डिप्टी सीएम इस सेंटर को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं, जिससे मंच से वह इस सेंटर को चलाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि इस सेंटर को चलाने में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने जरा सी भी कोताही बरती तो फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सेंटर दिल्ली सरकार और क्षेत्रीय डीएम के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी हिंसा में पीड़ित महिला के लिए अस्थायी आश्रय स्थल, पुलिस सहायता, कानून सहायता, चिकित्सा सेवाओं और मनोसामाजिक सहायता से युक्त है। इसके बारे में इवास के निदेशक ने क्या बताया, आपको सुनिए। ऐसा है कि घरेलू हिंसा या सड़क पे जो हिंसा है या रेप असॉल्ट होता है, उसे पीड़ित महिलाएं जो, उनको पहली बात तो चाहिए आश्रय, सेफ जगह। तो जो निर्भया फंड से शुरू हुई है स्कीम सखी की, वो अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ला दी है। रहने की जगह है, कानूनी सलाह है, पुलिस की मदद है, डॉक्टरी मदद है और मानसिक काउंसलिंग है। तो ये पांचों कंपोनेंट्स व्यक्ति को मिले और रहने की सेफ जगह के साथ, इस स्कीम का दिल्ली का ये पहला सेंटर है सखी। तो ये अस्पताल परिसर में है लेकिन अस्पताल का हिस्सा नहीं है, इसको अस्पताल का हिस्सा ना देखें, इसको देखें एक समाज कल्याण विभाग की जो एक्टिविटी है। इवास हॉस्पिटल समाज कल्याण विभाग और जो महिलाओं का बाल कल्याण विभाग है वो, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का ऑफिस, ये तीनों मिला के ये चला रहे हैं। भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ कार्यात्मक बनाया गया है। यह सखी सेंटर हिंसा पीड़ित महिलाओं के लिए एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा, जो कि दिल्ली में इस तरह का यह पहला सेंटर है। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।